और कटनी जिले में कलेक्टर अभि प्रसाद ने कुपोषण खत्म करने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि कटनी जिले में लगभग 1300 बच्चे कुपोषित हैं, जिसमें अति कुपोषित में लगभग 210 बच्चे शामिल हैं। वहीं इन कुपोषित बच्चों को भरपूर भोजन उपलब्ध करवाने सामाजिक संगठनों और दानदाताओं से सहयोग की अपील की गई है। सभी दानदाता ऐसे कुपोषित बच्चों की मदद करने के लिए आगे आए और अपनी सहभागिता का निर्वाह किया। ये जिले में दो श्रेणी के कुपोषित बच्चे हैं, एक अति कुपोषित और कुपोषित। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस संख्या को कम किया जाए और ये इस वित्तीय वर्ष में ये प्रयास जारी हैं। हमने अति कुपोषित बच्चों की संख्या को 2210 के आंकड़े से घटा के अब 150 कर लिया है और जो बच्चे 1300 थे कुपोषित उनकी संख्या को 1000 कर दिया है। इस कुपोषण को कम करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास हम करते हैं वो ये है कि अतिरिक्त राशन इन परिवारों को बच्चों के लिए उपलब्ध कराते हैं। और अब जो शेष बच्चे बच रहे हैं हमारे पास 1000 बच्चे, इनके लिए हमने अपील करी है कि इनको सामाजिक संस्थाएं दानदाता गोद में राशि या राशन उपलब्ध कराएं। और उसी सिलसिले में आज हम लोग को लगभग 4.25 लाख रुपए की राशि प्राप्त भी हो गई है, जिससे हम 4.25 बच्चों को जो है वो राशन उपलब्ध करा पाएंगे। शेष बच्चे जो 625 बच रहे हैं उनके लिए भी हमारे प्रयास जारी रहेंगे और यदि हम ये राशि और राशन की व्यवस्था कर लेते हैं तो हमारा लक्ष्य है कि मार्च 2024 तक कुपोषण को कटनी में न्यूनतम स्तर पर ला सकें। सर कितनी धनराशि प्राप्त हुई है? आज हमने, जैसे मैंने बताया, हमें 4.25 लाख रुपये की राशि आज प्राप्त हो गई है। लगभग आवश्यकता सर कितनी की होगी? लगभग 10 लाख रुपए की राशि की आवश्यकता है, लेकिन अगर हमें इससे अधिक राशि भी प्राप्त होती है तो हम और बेहतर राशन और सहयोग जो है इन बच्चों के परिवारों को दे पाएंगे।